जब आप घर में चैन से सो रहे होते हैं, तब सीमा पर दुश्मन से आपकी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं हमारे वीर जवान। जब आप सुकून से सड़कों पर घूम रहे होते हैं, तो घुसपैठियों से देश को बचाते हैं ये निष्ठावान जवान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के ये वीर जवान किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं, कितने मुश्किल हालातों में रहते हैं? आज हम आपको दिखाएंगे देश के जांबाज सैनिकों का श्रम साध्य जीवन। इस वक्त हम हरियाणा के गुरुग्राम के भोंडसी बीएसएफ कैंप में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ बीएसएफ के जवान मौजूद हैं, वो जवान जो सरहद पर देश की रक्षा करते हैं चाहे कैसे भी हालात हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हमारा कोई जवान बीमार पड़ जाता है तो कोई कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है, कम्युनिकेशन की सुविधा बंद हो जाती है, कन्वेंस की सुविधा नहीं हो पाती है। तो हम लोग जो है जवानों को नीचे लेके आते हैं तो दो दो तीन तीन दिन लग जाता है नीचे लाने में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारे साथ कुछ और जवान भी मौजूद हैं जो कच्छ के रण में देश की रक्षा करते हैं चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो। आपसे बात करना चाहेंगे, सर ये बताइए, रेगिस्तान का इलाका है, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर सांप होंगे, बिच्छू होंगे, कई जहरीले जानवर होंगे, तो अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई जहरीला जानवर किसी जवान को काट लेता है, तब आप क्या करते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कम्युनिकेशंस नहीं है वहाँ पे। मैम एक्चुअल में वहाँ पर हर बीओपी पे एक नर्सिंग असिस्टेंट अवेलेबल रहते हैं, तो वहाँ पर ट्रेनिंग भी होती है, स्नैक बाइट किट होती है, अगर किसी ने सांप ने काट लिया या बिच्छू ने काट लिया तो वहाँ पर उपचार अवेलेबल रहता है। मतलब इतना उपचार वहाँ पर अवेलेबल रहता है कि जिस बंदे को काटा है वहाँ तक उसको ट्रीटमेंट देके फर्दर आगे उसको हायर हेडक्वार्टर में हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा सके। हमारे साथ कुछ और भी जवान मौजूद है, चलिए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं। सर आपसे बात करना चाहूंगी, ये बताइए कि कभी कहीं ऐसे हालात हुए कि पैर बिल्कुल जम गए हैं, बिल्कुल ऐसी हालात हो गई है जहाँ सब कुछ जम गया है, तब आप कैसे सर्वाइव करते हैं? ऐसा मैम जो होती है हाइट पे होती है, खास करके हमारे जितने भी जवान 12,000-16,000 के जब हाइट पर जाते हैं तो बर्फ पड़ने के कारण माइनस डिग्री हो जाता है, जो कि पानी के साथ साथ आदमी का खून भी जमा देता है। तो हम लोग जब जूते वगैरह उतारते हैं तो जैसे लगता है कि पैर कट गया है, पैर है नहीं हमारा, या हाथ कोई काम नहीं करता है, तो हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम महसूस करते हैं। हमारा सबसे मकसद यही रहता है कि हम अच्छा से ड्यूटी करेंगे, दुश्मन को हमने सबसे किसी को भी अपने अंदर नहीं आने देना है, चाहे उसके लिए हमारी जान क्यों ना चली जाए। देश के लिए अपनी जान की फिक्र किए बिना जांबाजी से अपनी ड्यूटी निभाने वाले इन जवानों को हम सलाम करते हैं। देश के ये वीर जवान अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन क्या आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं? अगर नहीं तो आज ही ये संकल्प लें कि इस गणतंत्र दिवस आप देश के लिए कोई एक अच्छा काम हर दिन जरूर करेंगे, क्योंकि आपके एक अच्छे काम से देश प्रगति पथ पर और आगे बढ़ेगा। आपने क्या प्रण लिया हमारे साथ जरूर साझा करें, हमारे कमेंट बॉक्स में अपना संकल्प हमें जरूर लिखकर भेजें।